हेलो, गुड आफ्टरनून SIBCOM स्टूडेंट। हेलो, गुड आफ्टरनून SIBCOM स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट। यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द RTI एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the background or the evolution of RTI in India. Let's start. That independence and after, it was obviously utopian to expect that the British would bring any form of openness in their administration. What was said was that even after the independence, our decision makers, who are our representative force, the bureaucrats, are called public servants, continued to the functions and the veil of the secrecy created by the British. In India, even after independence, the various laws and rules restricted the disclosure of official information to the people and thus favored the secrecy in the governments. So, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब आज़ादी की बात कर रहे हैं या आज़ादी की बात कर रहे हैं तो सम पीपल ऑफ इंडियन दैट इंडियन पीपल दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अवर कंट्री सो दे वर कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स बट दे वर ऑल्सो कॉल्ड द पब्लिक सर्वेंट बट दैट फंक्शन ऑफ सम सीक्रेट क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश ये हम सबको पता है कि 1946 था कि जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट था तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से चलता था एडमिनिस्ट्रेशन या हम बोलते कि रूल्स रेगुलेशन सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से चलते थे. लेकिन एक दुखद बात ये भी थी कि हमको आज़ादी मिलने के बाद भी कि कुछ जो सीक्रेसी थी या सीक्रेसी या थोड़ा सा जो हम बोलते कि पावर या रूल्स रेगुलेशन फिर भी उनके थे. तो ये पॉइंट या ये जो हम बोल रहे कि कौन सी सीक्रेसी थी या कौन से वो पॉइंट थे वो अभी हम देखने वाले हैं. समझ में आ रहा है? समझ में आए या सुनो कि कुछ बातें लोगों तक हमने RTI में राइट टू इंफॉर्मेशन लोगों को इंफॉर्मेशन मिलने का हक दिया गया है. लेकिन उसमें कुछ सीक्रेसी की जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई है कि जिसमें पूरी की पूरी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती तो वो कौन से लॉज हैं तो अभी हम देखने वाले हैं. ये देखिए, द फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, देन सेकेंड पॉइंट इज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, ऑल इंडियन सर्विसेज कंडक्टेड रूल्स 1954, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्टेड रूल्स 1955 एंड रेलवे सर्विसेज कंडक्टेड रूल 1956. तो ये जो एक्ट बनाए गए हैं कि जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन तो मिलेगी लेकिन जो उसके बोलते सीक्रेसी द गवर्नमेंट कीप दिस सीक्रेसी रिलेटेड टू दिस एक्ट कि गवर्नमेंट सब इन जानकारी आपको नहीं देगी. अभी आगे देखते हैं. इट वाज इनएविटेबल दैट द पीपल इन इंडिया वुड एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू बी ट्रूली अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट. Unfortunately, the decision makers and the bureaucrats not only carried forward the structure and the system of the governance from the British, they carried forward the culture of secrecy and unresponsiveness also. तो लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए उनका एक एक्सपेक्टेशन था, उनकी एक अपेक्षा थी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी की कोई भी बात बतानी या जानकारी मिलनी हो तो वो पूरी की पूरी जानकारी लोगों तक पहुँचाए. लेकिन क्या किया जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो हम बोलते पब्लिक सर्वेंट्स थे या जो डिसीजन मेकर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो स्ट्रक्चर और सिस्टम ब्रिटिश का अपनाया उन्होंने, वो भी कैरी फॉरवर्ड लेके आए. लेकिन उसके साथ जो कल्चर कि हाँ अभी कुछ सीक्रेसी हम नहीं बता सकते, तो ये सीक्रेसी और जो उसके लिए इरिस्पॉन्सिव अनरिस्पॉन्सिवनेस उस पर कोई भी आपको उत्तर नहीं दिया जाएगा, ये भी वो सिस्टम उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी वहाँ पे नहीं मिल सकती. दिस कॉन्सिक्वेंटली लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द पीपल्स मूवमेंट एंड डिमांडिंग द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी.
तो उसकी वजह से क्या, उन लोगों ने एक मूवमेंट किया कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी आपको दी गई है वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो, तो उसकी उसको ये पूरे तरह से बताने का हक उनको मिलना चाहिए, ऐसा लोगों ने बोला था। समझ में आया? समझ में आया हाँ या ना? देन पीपल्स मूवमेंट, ये पॉइंट आपको अभी ये जल्दी समझ में आएगा। देखिए पीपल्स मूवमेंट, द डिमांड फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज टेकन द फॉर्म ऑफ मास मूवमेंट एट द ग्रासरूट लेवल इन राजस्थान। मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS took initiative to lead the people from very backward region Bhin Tehsil. The villagers under the leadership of Aruna Roy and others asserted their right to the information by asking for the copies of bills and vouchers and the names of the person who had been paid the wages mentioned in the muster rolls on the construction of the school, dispensaries, mall dams and community centers. तो यहाँ पे जब ऐसा बोला गया कि उस टाइम गवर्नमेंट ये जो बोलते कि उनकी जो सिस्टम थी, स्ट्रक्चर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो पब्लिक सर्वेंट के जो इंडियन पब्लिक सर्वेंट थे उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, और उसकी वजह से उन्होंने जो हम बोलते कि अनरिस्पॉन्सिव और हम बोलते कि सीक्रेसी जो कल्चर था वो भी कैरी फॉरवर्ड किया, कि जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो पब्लिक का हम बोलते कि जो सॉरी गवर्नमेंट के जो सर्वेंट हैं या पब्लिक सर्वेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि राजस्थान में ये मूवमेंट का साथ लेके राजस्थान में कुछ देखिए आप, मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो जो मजदूर लोग थे तो उन्होंने सिर्फ ऐसा भीम तहसील नाम का एक छोटा सा गांव है जहाँ पे मजदूर लोगों ने एक आवाज़ उठाई थी, और उसमें उसके जो लीडर थे उनका नाम था अरुणा रॉय, और उनके साथ उनके कुछ साथी भी थे जिन्होंने ऐसा बोला कि फॉर एग्जांपल जो मजदूर लोग जहाँ जहाँ पे वो काम करते हैं, कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल हो, डिस्पेंसरीज हो, स्मॉल डैम्स हो या कम्युनिटी सेंटर्स हो, तो वो जहाँ पे काम करते हैं तो उस मस्टर रोल पे उनका बिल पेमेंट उनका नाम का बिल वहाँ पे होना चाहिए, उनके नाम के वाउचर्स वहाँ पे होने चाहिए। लेकिन क्या होता है, ऑन द पेपर सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर ऑल कंप्लीटेड, बट इट वॉज कॉमन नॉलेज ऑफ द विलेजर्स दैट देर वॉज अ ग्रोस मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स विद द रूफलेस स्कूल बिल्डिंग and dispensaries without walls, dams left incomplete and community centers having no doors and windows. तो दूसरी बार कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे मांग की थी कि जब फॉर एग्जाम्पल किसी मजदूर से आप काम करवाते हो तो उसका पेमेंट उसको मिलना चाहिए, ऐसी मांग अरुणा रॉय और उनके साथियों ने किया था, उनके साथी मीन्स उनके साथ जुड़े हुए लोगों ने ऐसा बताया था। लेकिन फिर पेपर्स पे क्या बताया गया कि पेपर्स पे ऐसा बताया कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो पूरा का पूरा सब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रियलिटी में क्या था कि रियलिटी में ऐसा बताया गया था कि फॉर एग्जांपल बट इट वाज अ कॉमन नॉलेज ऑफ द विलेजर्स दैट देयर वाज अ ग्रॉस मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स विद द रूफलेस स्कूल बिल्डिंग। तो उसमें ऐसा बताया कि जो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जो स्कूल के लिए फंड जमा किया जाता है या पैसा लिया जाता है तो वो स्कूल की बिल्डिंग को ठीक करवाने के लिए या हम बोलते हैं कि डिस्पेंसरी की वॉल को ठीक करवाने के लिए या डैम्स को कंप्लीट करवाने के लिए, वो सब कुछ आधा का अधूरा रह गया, आधा अधूरा ही छोड़ दिया, पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल सच को झूठ साबित किया जाता है और झूठ को सच साबित किया जाता है, तो उसकी वजह से जो आवाज़ें उठनी चाहिए वो उनकी उठनी चाहिए, तो उसकी वजह से ये मोमेंट हुआ था। ये पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? यस मैम। आगे का बात करते हैं। आफ्टर द इयर्स ऑफ नोकिंग एट द ऑफिशियल डोर्स एंड डिस्पाइट द यूजुअल apathy of the state government, MKSS succeeded in the getting photocopies of certain relevant documents. कि उनके बहुत कोशिशों के बावजूद मिस MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसमें आपको यह देखिए पिक्चर यहाँ पे दिखाई देता है, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है MKSS अरुणा रॉय एंड
she was the leader और उनके साथ कुछ उनके साथी थे और ये जो मजदूर यहाँ पे दिखा रहे तो उन्होंने क्या किया फिर उनको उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी उनके वहाँ पे उनको न्याय मिला कि उनको कुछ फोटो कॉपीज मिले उनके जो डॉक्यूमेंट्स है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने फोटो कॉपीज मिले और उन्होंने वो पेश किए. द मिस एप्रोशिएशन ऑफ द फंड्स वॉज क्लियरली ऑब्वियस. In some cases, the muster rolls contain the names of the person who either did not exist at all or died the years. कि muster roll पे कुछ ऐसे नाम थे कि जो already जो इंसान है वो गुजर चुका है या वो exit ही नहीं है या ऐसे कुछ नाम थे तो उनके पास already वो relevant data था. So this incident is more than the sufficient to show the importance or the ability of the information for eradicating the malpractices. Means क्या होता है कि माल प्रैक्टिस किसको बताए कि फॉर एग्जांपल काम करवाते हैं लेकिन उसका पैसा नहीं दिया जाता तो ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा था जिसकी वजह से अरोरा रॉय को और जो मजदूर किसान थे उनको एक हम बोलते हैं कि न्याय मिलने की गई कोशिश नहीं न्याय मिला उनको ऐसा उस टाइम ये मोमेंट हुआ था. समझा हाँ या ना. Okay, yeah. With so many scandals emerging from time to time, it becomes the vital for the management of the public fund and the survival of the democracy. MKSS organized Jaan Sunwai. Yaar dekhiye, aapko dark highlight words diye gaye. Jaan Sunwai means people's hearing. The first ever in the history of Rajasthan. Ki unhone kya kiya? Unhone ek organization start kiya. Jaan Sunwai means कि लोगों के प्रॉब्लम को या लोगों की हम बोलते हैं मुश्किलों को समझा जाए. तो जब लोग आपके पास आते हैं ये हिस्ट्री में मीन्स राजस्थान की हिस्ट्री में इतिहास में पहली बार हुआ था. द पॉलिटिशियंस द एडमिनिस्ट्रेटर्स लैंडलेस लेबरर्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स वर ऑल इन्वाइटेड टू लिसन रिस्पॉन्ड एंड इज विलिंग टू डिफेंड देमसेल्व्स. कि उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन भी आए थे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आए थे लैंडलेस लेबरर भी आए थे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी आए थे. अगर वो उनको इनवाइट किया गया था अगर वो सुनना चाहते हैं उस पर कुछ बताना चाहते हैं तो वो अपने आप को बचाना भी चाहते हैं उस बात पे तो उनको वहाँ पे इनवाइट किया गया था. देन पॉपुलर रिस्पॉन्स वॉज फिनोमेनल बट द विलेज ऑफिशियल्स एंड द पॉलिटिशियंस स्टे अवेड एंड रिमेन साइलेंट एंड देयर बाय बिकेम देयर पोजिशन एंड डार्कर देन इमेज. तो कुछ लोगों ने जैसे हम बोलते कि लोगों ने उनके लिए रिस्पांस भी दिया था कि जो मजदूर लोगों ने उन पर लगाया था लेकिन कुछ जो पॉलिटिशियन थे या हम बोल रहे कि कुछ जो जाने माने लोग थे उन्होंने वहाँ पे चुटकी साध ली थी कि जिसकी वजह से उनकी उन्होंने क्या किया उनका जो हम बोलते कि उनका जो पोजीशन है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने गलत काम किया था तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया. समझ में आया बिटवीन द डिसम्बर 1994 एंड अप्रैल 1995 सेवरल अदर पब्लिक हियरिंग्स वर ऑर्गेनाइज. कि जैसे उस दौरान 1994 और 95 में कि कुछ पब्लिक हियरिंग और इस्टेब्लिश किए गए टू द पीपल्स एंगल मेड वन इंजीनियर ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू रिटर्न इन द पब्लिक अमाउंट ऑफ 15,000 ही हैड एक्सेप्टेड फ्रॉम द पुअर फार्मर. तो ये जो सुनवाई हुई हम बोलते हैं ना जान सुनवाई कि ऐसे ऐसे पीपल्स हियरिंग या पब्लिक हियरिंग की वजह से क्या हुआ कि उस टाइम जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक इंजीनियर था जिसने 15 एक गरीब किसान के पास से 15,000 वसूल किए थे तो उसको वो हम बोलते कि उसको वो रकम या उसको पैसा उस गरीब किसान को वापस देना पड़ा. तो ये अच्छी बात है ना अगर आप पे न्याय अन्याय होता है तो आवाज़ उठाना जरूरी है या यहाँ पे बताया गया है. दिस हिस्टोरिकल मोमेंट लेड टू द डिमांड फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ द लॉ रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू द इंफॉर्मेशन. इट ओनली कॉम्प्लीमेंटेड व्हाट कोर्ट्स वर सेइंग फॉर लॉन्ग द राइट इंफॉर्मेशन वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी. तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट है ये किससे जुड़ा हुआ है फंडामेंटल राइट्स में यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है द राइट टू फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इससे वो जुड़ा हुआ है. समझा
Do you understand? Yes, ma'am. Yes. आगे देखते हैं रोल ऑफ जुडिशरी. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इन सेवरल लैंडमार्क डिसीजन इंटरप्टेड दिस कोर्ट सॉरी इंटरप्टेड दिस ब्रॉड गारंटी ऑफ फ्री स्पीच टू इंक्लूड द राइट टू इंफॉर्मेशन एज वेल. द बेनेट कॉलमैन एंड यूनियन ऑफ इंडिया लीडिंग द न्यूज पेपर पब्लिशर्स चैलेंज द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूज प्रिंट. In the its decision favoring the petitioner, and the Supreme Court declared that the freedom of speech includes within its compass rights of all citizens read and inform. So यहाँ पे Supreme Court ने क्या एक proper decision दिया कि right to information को भी एक हम बोलते हैं कि right to information भी वहाँ पे एक add किया गया. तो जिसमें हम बोलते हैं कि बेनेट कॉलमैन और जो यूनियन ऑफ इंडिया थे यूनियन ऑफ इंडिया थी 1973 में उन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया कि गवर्नमेंट पॉलिसी को हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूज़ प्रिंट. कि जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में सभी चीज़ें कि फॉर एग्जांपल कभी कभी रूमर्स भी स्प्रेड किया जाता है या चढ़ा बढ़ा के बोला जाता है तो वो एक डिसीजन लिया गया था कि जो न्यूज़ प्रिंट वाले हैं या मीडिया वाले हैं उनको जहाँ जो चीज़ें जैसी हैं वही की वैसे ही छापनी चाहिए ना कि उसको चढ़ा बढ़ा के बोलना चाहिए. ओके द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड विद इन इट्स कंपास राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन टू रीड एंड इन्फॉर्म. कि हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से सभी जो हम होते हैं नागरिक हैं उनको पता चलता है उनको जानकारी मिलती है लेकिन कभी कभी उसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है. In the state of UP, Raj Nare, 1975, a case in which respondent had demanded information relating to the security expenses of then Prime Minister Indira Gandhi, and the court emphasizes the importance of the public right to know the deterrent to the operation and the corruption. So, यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि state of UP में कि Raj Nare ने उस time एक केस दर्ज करवाया था जिसमें उन्होंने डिमांड किया था कि फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने के लिए या उसकी सिक्योरिटी के लिए जितना खर्चा रखते हैं उसको आप बताएं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसका फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर की जान को कहीं ना कहीं खतरा होता है उसकी वजह से उनके लिए सिक्योरिटी रखा जाता है तो उनका सिक्योरिटी का खर्चा होता है. उन्होंने ये डिमांड किया था लेकिन उसके बाद क्या हुआ. The Supreme Court emphasizes the importance of the public right to know the deterrent to the operation and the corruption. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि उसका सिक्योरिटी का खर्चा जानने की क्या जरूरत है. उसकी वजह से उन्होंने क्या बताया कि जितना करप्शन होता है जितना ऑपरेशन होता है कि कहाँ पे क्या कितना घोटाला चल रहा है वो ज़्यादा लोगों को जानने की जरूरत है ना कि उसका सिक्योरिटी का खर्चा जानने की जरूरत है. समझ में आ रहा है यस और नो. हाँ या ना. यस मैम. देन नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे देखिए. इन 1992 द रिट पिटीशन इन्वॉल्विंग मनोहर शाह noted the consumer activist, the Life Insurance Corporation of India. The court ruled that no official medium of information could transmit one set of views without also providing for the expression of alternative views and thus widening the range of opinions presented to the public. So, 1992 में कि जैसे हम बोलते कि मनोहर शाह एक consumer activist थे उन्होंने और जो हम बोलते हैं कि आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के वो मेंबर रह चुके होंगे उन्होंने क्या बताया सॉरी कंज्यूमर एक्टिविस्ट है और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने भी क्या रूल बताया कि अगर जो इंफॉर्मेशन बताने का हम बोलते हैं कि कोई पर्टिकुलर मीडियम नहीं होना चाहिए नो ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होना चाहिए लेकिन द वन सेट कुड बी ट्रांसमिट कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन दे सके और वो एक ऐसा फॉर्मेट बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से सबको वो बात समझ में ऐसा होना चाहिए. समझ में आया उसका मीडियम
Yes, ma'am. The next point is litter development. Social movement in Rajasthan and other states led to the formation of the National Campaign for People's Right to the Information in 1996. The second phase in the evolution of RTA movement started in 1996 with the formulation of the draft RTA bill, spearheaded by NCPRN and its subsequent processing by government and the parliament. तो लेटर डेवलपमेंट जैसे हम बात करते हैं कि जब हम आरडीए मूवमेंट की बात करते हैं तो उसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि एमकेएसएस आया, उसके बाद पीपल्स हियरिंग और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, तो सोशल मूवमेंट राजस्थान में हुए और उसके बाद नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन ये भी 1996 में इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 1996 के बाद जब आरटीए सेकेंड फेज उसका आया आरटीए का, तो उन्होंने किसके साथ स्टार्ट किया था कि फॉर एग्जांपल जो आरटीए बिल था वो ड्राफ्ट हो गया था, उसका फॉर्मुलेशन ड्राफ्ट हो गया था, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को उसको रिपीट करना पड़ा, उसको ठीक से बनाना पड़ा। देन वेरियस स्टेट आरटीए लॉज वर पास ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूडिंग तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आसाम एंड मध्य प्रदेश एंड गोवा। कि उसके बाद बहुत सारे आरटीआई लॉज बहुत सारे हम बोलते हैं कि स्टेट में पास हुए थे। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाम दिए गए हैं, देखिए गोवा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। और उसके बाद नेशनल फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज पास इन 2002। यह सब आपको याद रखना है कि नेशनल फ्रीडम इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में पास हुआ था। दिस एक्ट वॉज नॉट नोटिफाइड अ न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन इन 2004। वॉट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास इन द पार्लियामेंट 2005। एज वी सो अर्लियर, दिस इज ऑल्सो द पीरियड दैट सीज द लार्ज नंबर ऑफ द कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड एनेक्ट द ट्रांसपेरेंसी लॉ। तो कुछ समय के दौरान कि जैसे फॉर एग्जांपल बिल ड्राफ्ट हो गया, आरटीए बिल ड्राफ्ट हो गया, फिर वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो आफ्टर ऑल सब डिसीजन लेने के बाद पार्लियामेंट में आरटीए एक्ट 2005 में एस्टेब्लिश किया गया, मीन्स 2005 में उसको सराहा गया। समझ में आया हाँ या ना? यस मैम। देन नेक्स्ट पॉइंट अभी देखते हैं हम कि फीचर्स ऑफ आरटीआई एक्ट ये इम्पोर्टेंट है। 2005 इट डिफाइंस द पब्लिक अथॉरिटी एज एस्टेब्लिश कंस्टिट्यूटेड और ओल्ड एंड सस्टेंशियली फाइनेंस बाय द फंड्स प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और द कंट्रोल। तो जब हम आरटीआई की बात करते हैं तो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, तो इट डिफाइंस क्या बताती है कि पब्लिक अथॉरिटी वहाँ पे पब्लिक का ज़्यादा सुना जाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच में उसको इंक्लूड किया गया है। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे सस्टेंशियली फाइनेंस बाय द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जब ये जो कोई भी फंड दिया जाता है फॉर एग्जांपल वो प्राइवेट या प्राइवेट कंपनी से हो या गवर्नमेंट से हो या कंट्रोल से आया हो, तो उसका इंफॉर्मेशन देने का हक आरटीआई को है। देन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, मीन्स उसकी जानकारी किसको देनी चाहिए? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देता है तो उसकी जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट देता है तो उसकी जानकारी स्टेट गवर्नमेंट को देनी चाहिए। इट शैल अप्लाई टू द पब्लिक अथॉरिटी विच मीन्स द अथॉरिटी और द बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेड एंड कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनी लॉ मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एनी अदर बॉडी ओन कंट्रोल एंड सस्टेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंक्लूड्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सस्टेंशियल फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। ये जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है उसमें पब्लिक अथॉरिटी जाती है। पब्लिक अथॉरिटी किसको बोलते हैं कि जिसके हाथ में वो कौन उसको कंट्रोल करता है? एक तो सेल्फ गवर्नमेंट करती है या हम बोलते हैं कि प्राइवेट करती है या फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट करती है, पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं वो गवर्नमेंट की लगती है, तो उसकी वजह से
फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लगते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले रूल्स रेगुलेशन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशन लगते हैं। समझ में आ रहे हैं हाँ या ना? हाँ या ना? यस मैम। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द एम्बिट कवर्स द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर एंड द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबोर्डिनेट कोर्ट इंक्लूडिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज लाइक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन एक्सेट्रा। तो जो एम्बिट होता है तो क्या क्या कवर करती है, फॉर एग्जाम्पल ये पब्लिक अथॉरिटीज क्या क्या कवर करती है कि पार्लियामेंट, फिर लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबोर्डिनेट कोर्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, कंट्रोलर है, ऑडिट जनरल है, ये सब को उसमें इंक्लूड करती है। ओनली डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट बॉडीज वर्किंग विद द कंट्री हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एक्ट। ये उसमें कौन नहीं आता है, सिर्फ डोमेस्टिक और फॉरेन प्राइवेट बॉडीज होती है वो उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। समझ में आए? समझ में आ रहा है? यस मैम। यहाँ पे आपको देखिए मैडम, ये देखिए आप चार्ट देखिए, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट फ्लो चार्ट स्टैक फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एंड अपील्स अपील्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है ये देखिए, अप्लाई टू द असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस ऑफिसर नेम ऑफ द ऑफिस इन द प्रिस्टर। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पोस्ट में आपका कोई अकाउंट है तो पोस्ट से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, पोस्ट में आप पैसा जमा करना चाहते हो, आपको कहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, पोस्ट की जानकारी पोस्ट से मिलेगी। देन असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसेस और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स प्रोवाइड द एक्नॉलेज टू द एप्लीकेंट्स एंड फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू PIO फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। तो PIO के लिए आपके लिए वो फॉर एग्जाम्पल आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता है, और PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स उसके लिए आपको भेज देता है। देन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कम्युनिकेट्स द डिसीजन ऑन व्हेन द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन और इफ द रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड द रीजन देयरफॉर, इफ एनी कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या करता है, तो कम्युनिकेट करता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि सही में ये इंफॉर्मेशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देता है तो उसके लिए जो डिसीजन होता है वो खुद लेता है। अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है तो उसके रीज़न क्या है, और फॉर एग्जाम्पल आपको ये आपको जो रिक्वायर है और उसका आपको पेमेंट करना पड़ता है। कि फॉर एग्जाम्पल आपको कौन सा एक एग्जाम्पल दो, कि फॉर एग्जाम्पल जो घर आप फॉर एग्जाम्पल घर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको कलेक्ट करना पड़ते हैं, उसके साथ जिसके साथ हम व्यवहार करने वाले हैं या उस जगह को हम जब जहाँ जगह पे हम घर बांधने वाले हैं तो उसके लिए ये जगह सही में प्राइवेट है या पब्लिक है, या सब कुछ इंफॉर्मेशन को वही इंसान देते हैं। आगे की बात करें तो एप्लीकेंट्स नीड टू मेक द नेसेसरी पेमेंट एज इंडिकेटेड एंड गिव द डिटेल्स ऑफ द पेमेंट ऑफ APIO। तो API के अनुसार जितना भी उन्होंने डिटेल्स बताया है पेमेंट के लिए उतना एप्लीकेंट को भरना चाहिए। और दूसरा है पांचवा है देखिए, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू द APIO और द विद इन द 48 आवर्स इफ द रिक्वेस्ट रिलेट्स टू द लाइफ और लिबर्टी ऑफ द पर्सन। तो जितना भी इंफॉर्मेशन जिस अप्लीकेंट को किससे मिलेगा, फॉर एग्जांपल 30 डेज में मिलेगा या 48 घंटे तक, उसकी रिक्वेस्ट अगर लाइफ उसकी रिक्वेस्ट इम्पॉर्टेंट है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड, जितना भी अपने एप्लीकेंट ने दिया है उसको एप्लीकेंट ने जितना दिया है उसको आगे भेजा जाता है। एंड गिव एन अपील टू द एपिलेट ऑफिसर विद इन द 30 डेज ऑफ द रिप्लाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम द PIO और विद इन द 30 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द रिक्वेस्ट इफ नॉट रिस्पॉन्स हैज बीन रिसीव फ्रॉम द PIO।
तो 30 डेज में आपको कंप्लेन करने का या हम बोलते कि रिक्वेस्ट बोलते कि एप्लीकेशन देने का एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, लेकिन वहाँ से अगर रिस्पांस नहीं आया और आपका जो हम बोलते कि विद इन 30 डेज वो एक्सपायर हो गया, रिक्वेस्ट एक्सपायर हो गया, तो वो जो जानकारी है या आपको जो चाहिए वो PIO देता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर देता है। समझा समझा? हाँ या ना? Then next point is the appellate officer's decision of providing information or reason for rejecting rejection is communicated within the 30-40 days of appeal. कि जो appellate officers है, जो decision लेने वाला है या information provide करने वाला, तो rejection क्यों किया उसके साथ वो जो applicant है उन्होंने 30 डेज में उसने application दिया, लेकिन उसके बाद प्रोसीजर हुआ कि किसके किसके पास जाता है। अभी आ रहा है आवाज? एम आई ऑडिबल? यस ओर नो? मैडम तुमचा आवाज ब्रेक होतो है खूप। आता होतोय? आता ब्रेक होतोय? हा आता होम मध्ये मध्ये होतोय। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? फॉर एग्जांपल द एप्लीएट appellate officer's decision of providing information or the reason for the rejection is communicated within the 30 days. कि applicant का हम बोलते हैं appellate जो officer है जो decision लेने वाला है तो वो क्या करता है within 30 days में उसका decision उसको देना है। तो क्या करेगा? तो for example request reject हो गई तो क्यों reject हुए उसके लिए उसको reason देना पड़ता है। Then next point is information रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड। और लास्ट में है अप्रोच द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन विद इन 90 डेज ऑफ द डिसीजन बाय द एप्लीकेंट ऑफिसर। 90 डेज में सब कुछ काम होता है, तो आई थिंक हम बोलते हैं 3 महीना, 3 महीने में ये सब कुछ काम चल रहा होता है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ये देखिए, ऑल सिटीजंस हैव अ राइट टू द इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ ऑल द एक्ट। कि जितना भी एक्ट बनाया गया है, कि फॉर एग्जांपल आपको जैसे हम बोलते हैं कि दैट एविडेंस एक्ट है या सीक्रेसी एक्ट है, तो उनका इंफॉर्मेशन लोगों को मिलना चाहिए। इट कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन द पब्लिक अथॉरिटीज टू ग्रांट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन to publish certain categories of information within 120 days of the enactment. कि अगर आपको request करना है public authorities का, आपको information चाहिए या आप कुछ हम बोलते तो वो request 120 days में आप कर सकते हैं। The responsibility about the suo motu in their own disclosure publication by the public authorities has been considerably enlarged. अगर पब्लिक अथॉरिटीज में मीन्स आपको 120 डेज में आप ये इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर उसको कंसिडर किया जाता है। द एक्ट लेज डाउन द मशीनरी फॉर द ग्रांट ऑफ एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड द पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड द असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स विदिन 100 डेज ऑफ द एनेक्टमेंट। तो क्या होता है कि जितना हम बोलते हैं कि APIO और जितना हम बोलते हैं कि PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये जितना इंफॉर्मेशन के लिए हम बोलते हैं कि एप्लीकेशन देते हैं, तो उतना हम इंफॉर्मेशन उनको पूरा इंफॉर्मेशन डिज़ाइन करके वो हमें देते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो पूरा का पूरा हमको फॉर्मेट डिज़ाइन करके बेचते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? Yes ma'am. Then PIO's responsibility is to yes ma'am. The PIO's responsibility is to deal with the request for the information submitted by the citizen and also to assist the person seeking information. तो PIO की responsibility क्या है कि जितने भी उन्होंने request भेजी applicant में उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन
उस सिटीजन को मिले। कि फॉर एग्जांपल जब हम रेलवे में इंक्वायरी करने जाते हैं कि रेलवे की को इंफॉर्मेशन चाहिए, एप्लीकेंट किए हैं आपने, कि फॉर एग्जांपल आप इफ यू आर अपने फॉर एग्जांपल आपने टीसी के जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया है, तो ये आपको कहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी? फॉर एग्जांपल टीसी के जॉब के लिए आपने रेलवे में अपने फॉर्म भरा है या सब कुछ भरा है, तो इंफॉर्मेशन आपको वहीं पे ही मिलेगी कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें, कितने कैटेगरी होते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल कितने सीट होते हैं या उसमें क्लासरूम के ऑफिसर की जगह कैसी होती है या हर एक जो हम बोलते हैं कैटेगरी, तो उसमें आपको समझ में आएगा। द प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द रिक्वेस्ट बाय द पब्लिक अथॉरिटी एंड अनदर पब्लिक अथॉरिटी वेयर इन द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन इज हेल्ड बाय द लेटर। हेलो मैडम। हेलो। हाँ आवाज नहीं है का? हेलो आवाज देते है का? नीट आवाज देते है? हेलो 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 एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस मैडम। यस मैम। यहाँ पे क्या बताएं? द प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द रिक्वेस्ट बाय द पब्लिक अथॉरिटी टू द अनदर पब्लिक अथॉरिटी वेयर इन द सब्जेक्ट मैटर एंड द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज हेल्ड बाय द लेटर। कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोविजन आपको दिया गया है कि फॉर एग्जांपल आपने अप्लीकेंट है, उन्होंने आपने रिक्वेस्ट किया है, तो वो एक पब्लिक अथॉरिटी से दूसरी पब्लिक अथॉरिटी में सब्जेक्ट मैटर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि फॉर एग्जांपल कौन से सब्जेक्ट को लेकर आपने रिक्वेस्ट किया है। अगर वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए सब्जेक्ट मैटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द टाइम लिमिट ऑफ 30 days हैज़ बीन प्रिस्क्राइब फॉर द कंप्लायंस विद इन द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 40 days वेयर 30 थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व। तो एप्लीकेंट विद इन 30 days, जैसे मैंने अभी आपको बताया, विद इन 30 days में वो रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर पर 30 days ख़त्म हो गए तो और 10 दिन बढ़ाए जाते हैं, मीन्स 40 दिन में अगर थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व होना चाहती है तो वो इन्वॉल्व हो सकती है। फी फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन इज रिजनेबल। कि ऑल्सो नो फी इज चार्ज फ्रॉम द पर्सन हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। कि अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको फ्री में मिलती है, लेकिन हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल फी, हाँ फ्री फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन इज रिजनेबल, कि कभी कभी उसके चार्जेस लगते हैं, लेकिन जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं या बहुत ही गरीब हैं तो उनके पास से चार्ज वसूल, फीस वसूल नहीं किया जाता। फर्दर इंफॉर्मेशन विल हैव टू बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज वेयर एज द रिस्पॉन्स टाइम लिमिट इज नॉट एडहियर टू। तो वहाँ पे चार्जेस नहीं लगाया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन